अभी तो ये पे कमीशन में एक रिकमेंडेशन दिया, जो लोग 2016 के बाद रिटायर हो गए इसके बराबर, जो लोग रिटायर हो गए इसके पहले उनका बराबर हो जाए। हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है, हमारे कोई सरकार के खिलाफ हमारी कोई हमारी नीति नहीं, सरकार के विरोध में हम कुछ नहीं बोल रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेवंथ पे कमीशन लागू किया, सेवंथ पे कमीशन ने रिकमेंड किया था जितने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज 2016 के पहले जो रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन, क्योंकि पेंशन में बहुत भेदभाव बहुत था, पुराने जो रिटायरी थे उनकी पेंशन कम होती थी, बाद में वो करते करते जो चौथे पे कमीशन पाँचवें में और कम उनकी और बढ़ता, वो डिफरेंस बढ़ते बढ़ते अभी 50% मतलब अभी जो आज जो रिटायर 1/16 को पहले जो रिटायर हो रहे और जो चौथे पे कमीशन है उनकी पेंशन उनसे लगभग आधी पेंशन आती है। सरकार ने उन लोगों को सबको बराबर करने के लिए उनकी पेंशन एक पे कमीशन ने रिकमेंड किया कि जो 2016 के पहले जितने लोग रिटायर हो रहे सबकी पेंशन 2016 के बाद जो रिटायर है उनके बराबर की जाए, जैसे आर्मी की वन रैंक वन पेंशन OROP जैसे लागू किया उसी तरह हमारे सभी जो सिविलियन एम्प्लॉयज है उन सब की पेंशन भी बराबर करने के रिकमेंडेशन थी। सरकार ने पे कमीशन की रिकमेंडेशंस को 100% माना, 100% मान के सबकी पेंशन सातवें पे कमीशन के बाद जो रिटायर हो रहे पुराने सबकी चौथे पाँचवें छठे पे कमीशन के जितने लोग थे सबकी पेंशन बराबर कर दी। सरकार की मंशा में दोबारा बोल रहा हूँ, सरकार की मंशा में कोई कमी नहीं है। सी ग्रुप गार्ड एंड ड्राइवर जो कि गाड़ियों में चलते हैं तो उनका 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 जो पेंशन है वो अलग फार्मूले पर होता है। उनका उनका फार्मूला वो फार्मूला भी दिया गवर्नमेंट ने, जो पे कमीशन ने वो फार्मूला भी दिया कि इस तरह से इनका वो नेशनल पे बनेगा और नेशनल पे पर 55% जोड़ करके हम लोगों का पेंशन होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।